subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concerts by Rajesh Chaudhary. And in this video, I will discuss about the basic anatomy and physiology of the small intestines and the large intestines. And there is a part of GIT system or digestive system. तो आज इस वीडियो पे हम आपके GIT के जो दो मेजर पार्ट हैं इंटेस्टाइंस के, एक है आपके स्मॉल इंटेस्टाइंस और एक है आपका लार्ज इंटेस्टाइंस, उनके बारे में कवर करने वाले हैं. बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है. चाहे नर्सिंग के हों, चाहे फार्मेसी के हों, चाहे मेडिकल के हों, चाहे 11th 12th के हों, सब में ये हेल्पफुल होगा. एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड द पैथोफिजियोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconsult.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन्स आपके GIT का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपके जो एलिमेंट्री कैनाल्स हैं, जिसमें आपके माउथ से स्टार्ट होता है आपके NS तक, इसमें माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक एक अलग है, उसके बाद से शुरू होते हैं आपके इंटेस्टाइन्स. तो इंटेस्टाइन्स बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जो आपके एब्जॉर्प्शन है उसमें ये इन्वॉल्व होता है मेजरली. बात करें इंटेस्टाइन्स की, इंटेस्टाइन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो कि डायरेक्टली आपके स्टमक से जुड़ा होता है. नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन्स. बात करें इनके पार्ट्स की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बेसिकली तीन मेन पार्ट है. एक है आपका ड्यूडेनम, ये जो पोर्शन है आपका जो आपके स्टमक से जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनम. ठीक है, जो पार्ट है वो आपका है ड्यूडेनम पार्ट. ठीक है, यहाँ तक मांग चलिए. फिर उसके जो नेस्ट हैं वहाँ से स्टार्ट होता है आपका जेजिनम. ठीक है, ये आपके जेजिनम पार्ट है पूरा कम्प्लीटली. फिर जो लास्ट एरिया है आपके जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन्स में कनेक्ट होते हैं वो एरिया है आपका स्मॉल इलियम. ठीक है, इलियम का पार्ट है ये. फिर इलियम आपके इस आपके जो सीकम एरिया है उस पर, क्रॉन एरिया है उस पर जाके यहाँ पर जुड़ते हैं. फिर नेक्स्ट है आपका सीकम, ये जैसे देख सकते हैं ये आपका रेक्टम है, ये आपका सिग्मॉइड कोलायन है, ये डिसेंडिंग कोलॉन, ये जो पार्ट है आपका सीकम है जहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो इलियम पार्ट है वो अटैच्ड होता है. फिर ये जो एरिया है वो है आपका कोलॉन एरिया, कोलॉन पे आपका एसेंडिंग कोलॉन. फिर ये आपका ट्रांसवर्स कोलॉन. फिर ये जो एरिया है वो है आपका डिसेंडिंग कोलॉन्स, ये आपका सिग्मॉइड कोलॉन, ये आपका रेक्टम एरिया, ये आपका एनस. ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स के, सीकम, कोलॉन, रेक्टम और एनस. ठीक, तो अब बातें हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में. स्मॉल इंटेस्टाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट GIT का पार्ट है, जहाँ पे मेजरली एब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड मटेरियल्स के, न्यूट्रिएंट्स का, जहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद. इसके अलावा इसमें डाइजेशन भी होते हैं, आगे देखते हैं. तो बात करें पार्ट्स की, तो फर्स्ट है आपका ड्यूडेनम पार्ट है. बात करें ड्यूडेनम पार्ट की, तो ये आपका शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, सी शेप्ड में होते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 22-25 सेंटीमीटर लेंथ होते हैं. बात करें जेजिनम की, तो 2.5 मीटर लॉन्ग होता है. सबसे ये आपके लॉन्गेस्ट होते हैं, लॉन्गेस्ट नहीं होते हैं, लॉन्गेस्ट आपका इलियम होता है, उसके बाद ये आपका लॉन्ग होता है 2.5 मीटर. ठीक है, विच कंटेंस द विली, सिमिलर इज द इलियम. फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है इलियम पार्ट. इलियम जो है 3 मीटर लॉन्ग होते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे GIT का, एलिमेंट्री कैनाल्स का. एंड कंटेंस द माइक्रोविलाई और विलाई फॉर द एब्जॉर्प्शन एट द एंड ऑफ एलिकोसिकल वॉल्व विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम इलियम टू सीकम. जो आपके जॉइंट हैं इलियम और आपके सीकम का, वहाँ पे होते हैं इलियोसिकल वाल्व, वहाँ तक आपके एल्वलाई माइक्रोविली होते हैं जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है. और एक तरीके से ये आपके फ्लो को भी कंट्रोल करता है आपके इलियम से सीकम की ओर जाने वाले फूड मटेरियल को. एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो. तो सीकम जो है आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है. बात करें कि ब्लड सप्लाई की, तो इसमें बेसिकली आपके सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और वेन सप्लाई करते हैं. ठीक है, पूरे होल स्मॉल इंटेस्टाइन्स को. बात करें कि इतने इंटेस्टाइनल जूस की, जिसके थ्रू ये एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म होते हैं, तो मेनली आपके मेटाबॉलिज्म का इन्वॉल्व होते हैं आपके जो GI फ्लूड्स हैं, खासकर इंटेस्टाइनल फ्लूड हैं, उनमें आते हैं आपके इंटेस्टाइनल जूस. लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर सीक्रेट होता है डेली. ठीक है, जो कि एल्कलाइन नेचर का होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ द वाटर, म्यूकस एंड मिनरल साल्ट. तो ये इनके बेसिक कंटेंट्स हैं. ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे माइक्रोविलाई का. ये देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर हैं आपके, वो है आपका माइक्रोविलाई, जहाँ से एब्जॉर्प्शन साइट या सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है. ये जो पार्ट है वो आपका है एंटेरोसाइट, ये हैं आपके लैक्टियल, ये आपका गॉब्लेट सेल, ये हैं आपके कैपिलरीज हैं, नेटवर्क हैं आपके आर्टरी वेंस का, और ये आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जहाँ से आपके जो फ्लूड वगैरह हैं सीक्रेट होते हैं.
ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनके बेसिक फंक्शंस के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के। सो ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कंटेंट्स बाई पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, तो ये जो भी आपका फूड मटेरियल है वो आपके इंटेस्टाइन्स में जो हैं आपके ऑनवर्ड मूवमेंट करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू बाय द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। मतलब आपके जो ये पाइपलाइन है यहाँ पे पहले आपका कॉन्टेक्ट होगा इस तरीके से पाइपलाइन, ठीक, ये फूड मटेरियल है, फिर यहाँ पे जो रिलैक्स रहेगा, फिर नेक्स्ट में है यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा फूड मटेरियल जाने के बाद, तो उस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन है वो इस तरीके से होता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, विच इंक्रीज द बाई द पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन, जो कि आपके जो एनएस हैं, एनएस में जो आपका पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है उसके थ्रू ये स्टिमुलेट होते हैं, इसलिए जो आपका ये सिस्टम है वो बेसिकली आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट में काम करता है। एंड कंप्लीशन ऑफ द केमिकल डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स इन द एरिथ्रोसाइट ऑफ द इस इन द इंटरोसाइट्स ऑफ द विली, तो जैसे ही कंप्लीशन होता है हमारे फूड मटेरियल्स का, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फैट्स हो, वो फिर रिच करते हैं आपके कहाँ पे, जो इंट्रोसाइट्स हैं जहाँ पे आपके वेलीज हैं वहाँ पे रिच करते हैं, जिनके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके इम्यूनो एसिड्स हैं, आयंस हैं, ग्लूकोज वगैरह हैं, ठीक है, लिपिड्स पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो आपके एब्जॉर्ब होते हैं इन साइट पे। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन बाई माइक्रोब्स दैट हैव सर्वाइव्ड द एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक बाई द बोथ सॉलिटरी एंड एरिगेटिव लिम्फ फॉलिकल्स। यहाँ पे लिम्फ फॉलिकल्स वगैरह भी होते हैं, लिम्फेटिक ड्रेन्स भी होते हैं, तो जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जो हमारे स्टमक में बच जाते हैं, एसिडिक अटैक से बच जाते हैं, वो फिर जो बैक्टीरिया हैं हमारे इंटेस्टाइंस में आके आते हैं, और वहाँ पे जो इंटेस्टाइंस के जो इंटेस्टाइनल फ्लूड्स वगैरह हैं या फिर जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं इंटेस्टाइंस में, वो फिर उन बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो एक तरीके से आपके उसके थ्रू भी ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इट सिक्रीशन, इट मे हेल्प इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स लाइक द कोलेस्टोकाइंस एंड द सिक्रेटिन, ठीक है, जो ये दो आपके हार्मोन हैं उनको भी रिलीज करते हैं, जो भी ये जो दो इंजाइम हैं वो भी एक तरीके से कोलेस्टोकाइन और सिक्रेटिन हार्मोन जो हैं वो भी एक तरीके से जाइटी के फ्लूड्स वगैरह को रिलीज़ को डाउन रेगुलेट करते हैं आपके, ठीक है, जी आई फ्लूड्स हैं, जी एसिड्स हैं, खासकर गैस्ट्रिक एसिड्स हैं या पेप्सिन वगैरह हैं, उनके रिलीज़ को कम करते हैं आपके कोलेस्टोकाइंस एंड सिक्रेटिन, ठीक है। इसके अलावा जो मेन उसका फंक्शन है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके अलावा पॉजिटिव होस्ट इम्यून सिस्टम बाय द माइक्रोबियल फ्लोरा, तो आपके जो माइक्रोबियल फ्लोरा हैं वो भी आपके इंटेस्टाइंस में ही ग्रोथ करते हैं, तो भी एक तरीके से पॉजिटिव इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका केमिकल डाइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है। व्हेन एसिड काइम्स, जो हमारे माउथ से हम लेते हैं, माउथ में टीथ आपका उसको चबाता वगैरह है, स्ट्यूइंग करता है, उसके बाद जो कटिंग वटिंग करके आपका जो सलाइवा है वो उसमें जो एमाइलेस एंजाइम है वो कुछ डाइजेस्ट करते हैं, और जो बचे फूड मटेरियल हैं उनको बनाता है बोलस। ये जो बोलस हैं फर्दर आपके फेरिंग से, लरिंग से होते हुए, फेरिंग से, इसोफेगस से होते हुए पहुँचते हैं आपके स्टमक पे। स्टमक पे एसिड जो मीडिया है आपका, जिसमें पेप्सिन हैं, उसके अलावा जो HCl वगैरह हैं, रेन वगैरह हैं, वो जो प्रोटीन्स मटेरियल हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं और वो बनाते हैं एसिड काइम। ये जो एसिड काइम है फर्दर आपके स्टमक से आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइंस हैं, डिनम हैं, उनमें ये ट्रेवल करते हैं। सो व्हेन द एसिड काइम्स पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइंस इट मिक्स्ड विद द पेंक्रियाटिक जूस, जैसे ही वो आपके डिनम पार्ट में, क्योंकि आपका जो पेंक्रियाज है या गाल ब्लैडर के जो हैं डक्ट वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डिनम पार्ट में ही मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस वगैरह हैं, बाइल जूस वगैरह हैं, रिलीज़ होते हैं, और ये एसिड जो काइम्स हैं उनके साथ में मिक्सअप करते हैं ताकि जो पीएच है वो इन्हेंस हो सके आपके फूड मटेरियल्स का, बाइल एंड इंटेस्टिनल जूस एंड कॉन्टैक्ट विद द इंटरोसाइट्स विद द विली द डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कम्प्लीटेड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रेक डाउन टू द मोनोसैकेराइड्स, प्रोटीन्स आर ब्रेक डाउन टू द एमिनो एसिड्स एंड फैट्स आर ब्रेक डाउन टू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, तो ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये आपके माइक्रोविली पे जो होते हैं आपके यहाँ पे इंटरोसाइट्स पे, ठीक है, वहाँ पे ये आपके जो हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो इनका जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स का वो भी इन एरिया पे, मतलब आपके जो डिडेनम एरिया इंटेस्टाइंस एरिया हैं उनमें होते हैं, ठीक, और जो आपके पूरे इंटेस्टाइंस में भी होते हैं, और ये फिर आपके इन फॉर्म पे हमारे विली से एब्जॉर्ब होते हैं आपके जिजिनम और एलियम पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइंस,
सो द लार्ज इंटेस्टाइन्स आर ऑल्सो नोन एज द लार्ज बाउल और कोलोन। तो इसका हम इसको लार्ज बाउल या कोलोन बोलते हैं क्योंकि मेजर पार्ट आपके कोलोन सी हैं, ये आपके सीकम पार्ट है। उसके बाद ये पूरा पार्ट असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन का पार्ट है। फिर ये आपके हैं एनस हैं, रेक्टम है, ये एनस है, ये आपका अपेंडिक्स एरिया है, ये आपका इलियम पार्ट है, ये आपका टेनिया कोलाई, ठीक, ये जो जॉइंट दिख रहा है उस तरीके से, ये आपका राइट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक है ये, और ये आपका लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक, ये आपका हॉस्ट्रा, जो आपके कर्व हैं वो बोलते हैं हॉस्ट्रा, ठीक। तो ये बेसिक पार्ट्स हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स के। सो बात करें लार्ज इंटेस्टाइन्स की, तो इसको आप काट दीजिए फिलहाल, ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन्स आर ऑल्सो नोन एज द लार्ज बाउल और कोलोन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर, जो मेनली इसका है, वाटर का एब्जॉर्प्शन है, जो मेन साइट है वाटर का वो आपके इन्हीं पे होते हैं। एंड द रिमेनिंग वेस्टेज मटेरियल इज स्टोर्ड एज ए फिशेस बिफोर द बींग टू रिमूव्ड बाई डिफिकेशन। जो हम डिफिकेशन के थ्रू जो आपके फिकेस मटेरियल हैं उसको हम इवोकेट करते हैं, उससे पहले आपका जो वाटर है वो इन कोलोन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो आपके वेस्टेज मटेरियल हैं वो स्टोर होते हैं, फिर बाद में वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है, द लार्ज इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब वाटर एंड रिमेनिंग एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर फूड बिफोर सेंडिंग द इनडाइजेस्टिबल मटेरियल टू द रेक्टम। द कोलोन एब्जॉर्ब विटामिन, तो विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन करता है, दैट आर क्रिएटेड बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया। तो आपके जो कोलोनिक बैक्टीरिया हैं, कोलोन में जो बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं, मैक्रोलर फ्लोरा हैं, वो एक तरीके से विटामिन B12 भी रिलीज बनाते हैं, और उसके अलावा विटामिन K भी बनाते हैं, ठीक है। गट फ्लोरा की बात करें, जो हम बात कर रहे हैं, द लार्ज इंटेस्टाइन्स हाउस्ड ओवर द 700 स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया दैट परफॉर्म द वैरायटी ऑफ फंक्शंस। द लार्ज इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब सम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरिया इनवाइटिंग दिस रीजन लाइक द विटामिन के एंड अनडाइजेस्टेड पॉलीसेक्राइड्स आर मेटाबलाइज्ड टू द शॉर्ट चेन फैटी एसिड बाय द बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो ये आपके विटामिन के भी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ और भी प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा आपका जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उसको मेटाबलाइज्ड भी करते हैं आपके बैक्टीरिया, ठीक है, किस पे, आपके शॉर्ट चेन फैटी एसिड पे, ठीक। तो ये बेसिकली आपका प्रोसेस है, जहाँ से अगर हम बात करें हमारे माउथ की बात करें, वहाँ पे अगर हम 1200 ml का इंटेक करते हैं अगर वाटर मीडिया है, तो वो सलाइवा में जो है आपका लगभग 500 ml सलाइवा रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो 2000 ml रिलीज होता है अप्रॉक्सीमेटली, बाइल 1500 ml, विंगार्डिक जूस 1500 ml, ये आपका 500 ml है, ठीक है। ये इंटेस्टिनल जूस आपका 1500 ml, ठीक है। ये सब होने के बाद जो आपका 6700 ml आपके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होते हैं और 1400 मतलब 1400 आपके कोलोन में एब्जॉर्ब होते हैं आपका, ठीक है। और लास्ट में जो बचता है वो अप्रॉक्सीमेटली बचता है अप्रॉक्सीमेटली 100 ml का जो फिकस मटेरियल है वो आपका निकलता है बाहर से। तो यहाँ पे वर्क करते हैं हमारा एमाइलेज एंजाइम, यहाँ पे वर्क करते हैं आपके पेप्सिन वगैरह, ठीक है, पेप्सिन आपके गैस्ट्रिन हो गए, आपके जो रेनिन हैं वो करते हैं, यहाँ पे जो आपके पेंक्रियाटिक जो हैं एमाइलेज वगैरह हैं, ठीक है, वो सब काम करते हैं। तो ये सब काम करते हैं, हम देखते हैं कि आप कौन से आपके एंजाइम्स हैं और कौन से आपके कंपाउंड्स हैं। तो बात करें हम लोग कार्बोहाइड्रेट का, तो जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो आपके माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है और इंटेस्टाइन्स में भी होते हैं, ठीक है। माउथ में बाय द स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में चेंज करते हैं, ठीक। बात करें स्टमक में, जो HCl है जो उसको डिनेचर करता है और स्लेवरी एमाइलेज के एंजाइम को रोकता है, तो वहाँ पे वो बेसिकली स्टार्च वगैरह का या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बात करें नहीं होता, बट लेकिन वहाँ पे एक्शन होता है जो एमाइलेज एंजाइम के वर्किंग फंक्शन को कम करता है, क्योंकि ये एसिडिक पीएच नेचर का होता है और सलाइवा का पीएच हायर एल्काइन होता है, 7.2 आसपास होता है, ठीक है। फिर बात करें इंटेस्टाइन्स की, तो पेंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम फिर वर्क करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट पे, जो कि स्टार्च को फिर डाइसैकेराइड में चेंज करता है। उसके अलावा आपका सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज वगैरह जो हैं ये भी आपके प्रेजेंस होते हैं हमारे इंटरोसाइट्स में, जो इन सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज को जो है डाइसैकेराइड्स को फिर फर्दर मोनोसैकेराइड्स में चेंज करता है, मेनली ग्लूकोज पे, फिर ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं विलाय के थ्रू, इनका जो एब्जॉर्प्शन वगैरह है वो आपके फिर विलाय के थ्रू होता है। प्रोटीन्स की बात करें, तो प्रोटीन्स माउथ में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो पहुंचते हैं आपके मेनली स्टमक पे, स्टमक पे आपका जो एसिड है वो एक्टिवेट करता है आपके पेप्सिन्स को, और ये जो पेप्सिन्स हैं फर्दर आपके प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है। उसके अलावा जो रेनिन हैं वो भी काम करते हैं इसी स्टमक पे और वो मिल्क प्रोटीन को चेंज करते हैं केसिन पे। फिर आपके जो आते हैं इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, वहाँ पर रिलीज होते हैं हमारे एंटेरोकाइनेस, काइमोट्रिप्सिनोजन
और काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि फर्दर आपके काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन में चेंज करते हैं, जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। ये आपके पॉलीपेप्टाइड्स को जो हैं डाई और ट्राई में पेप्टाइड्स में चेंज करते हैं। उसके अलावा काम करते हैं पेप्टिडेज एंजाइम जो कि हमारे डाई और ट्राई को एमिनो एसिड्स में चेंज करते हैं, ठीक। और ये जाके एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन्स में। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा आपके प्रोटीन्स का, आपके स्टमक पे और इंटेस्टाइन्स में, इसका माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। फैट्स की बात करें तो फैट्स डायरेक्टली आपके जो ब्रेकडाउन है मेटाबॉलिज्म है वो होता है आपके डायरेक्टली इंटेस्टाइन्स पे बाय द बाइल के थ्रू, बाइल साल्ट के थ्रू जो कि इमल्सिफाई करता है फैट को। उससे जो पैनक्रियाटिक लाइपेस एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और लाइपेस एंजाइम जो है फर्दर फैट्स को फैटी एसिड्स में चेंज करते हैं और ग्लिस्ट्रॉल पे। लाइपेस एंजाइम आपके इंट्रोसाइट्स में भी होते हैं इंटेस्टाइन्स के, वो आपके फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिस्ट्रॉल चेंज करते हैं। तो लाइपेस एंजाइम पैनक्रियास में रिलीज होते हैं और आपके इंटेस्टाइन्स में रिलीज होते हैं, ठीक। और यहाँ पे आपका जो जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है फैट हैं वो आपके इन्हीं एरिया पे मतलब इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे आपके मेजरली एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर की बात करें तो आपके जो वाटर का मेटाबॉलिज्म होता नहीं है वो डायरेक्टली हमारे पहुँचते हैं पूरे साइड पे, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है बहुत कम होता है आपके स्टमक पे, लार्जली होता है आपके इंटेस्टाइन्स में, फिर आपके होते हैं कोलोन पे, जो बचे हैं वो होते हैं आपके कोलोन्स पे, ठीक है। बात करें विटामिन की, तो विटामिन जो हैं आपके इंटेंसिव फैक्टर जो विटामिन B12 है उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है आपके कहाँ पे स्टमक पे, और फिर जो वाटर सोलबल विटामिन वगैरह हैं वो आपके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब करते हैं विली के थ्रू, और फिर जो बैक्टीरिया से बनता है विटामिन के वो होता है एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे। विटामिन B12 का होता है स्टमक पे, विटामिन के का होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स पे। दीज आर द बेसिक न्यूट्रिएंट्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म साइट एंड एब्जॉर्प्शन साइट। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। दैट मोटिवेट्स फॉर द कमिंग वीडियोस। इन लास्ट थैंक यू, कीप वॉचिंग।